वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम सुनवानी और आप देख रहे हैं टेक रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एसुस जेनफोन 3S मैक्स। तो आप देख सकते हैं जो है एसुस जेनफोन 3S मैक्स है, मुझे एसुस की तरफ से आया है यू के लिए। तो आज मैं इसका जो है आपको फुल रिव्यू दे देता हूँ। तो आप बॉक्स के सामने देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको बॉक्स मिल जाता है। सामने में एसुस जेनफोन 3 लिखा है और 5000 का जो इसका बैटरी है उसका लिखा हुआ है 5000 mAh का जो बैटरी है। आप पीछे की ओर देख लेते हैं, पीछे की ओर आपको देख सकते हैं कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन मिलते हैं कि आपको इस फोन के साथ क्या क्या जो है मिल जाता है, क्या प्रोसेसर, कितना रैम, क्या क्या आपको जो एक साथ मिलता है यहाँ पे लिखा हुआ मेंशनड है। और साइड की ओर देख लेते हैं, साइड की ओर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मिल रहा है, ये भी साइड की ओर जो है और लिखा हुआ है। तो जल्दी से मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको इस फोन के साथ जो है क्या क्या मिल जाता है। तो जैसे ही फोन को आप ओपन कर देते हो, आप देख सकते हैं आपको सामने में जो है एसुस का जो फोन मिलता है। आप देख सकते हैं ये एसुस का फोन है मेरे पास जो है, ये जो गोल्ड कलर में आया हुआ है। तो जल्दी से हम इसको भी बॉक्स से निकाल लेते हैं, साइड में रख देते हैं। इसका मैं फिजिकल ओवरव्यू आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ, तो अब इसको हम साइड रख देते हैं। उसके बाद बॉक्स में देख लेते हैं हमको और क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो आप ऊपर में देख सकते हैं आपको कोई है यूजर मैनुअल और यूजर गाइड वगैरह जो है मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड्स वगैरह जो है मिल जाते हैं, तो आप इसको बाद में पढ़ लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको जो है चार्जर मिल जाता है। चार्जर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको चार्जर मिल जाता है, क्योंकि आपको इसके साथ जो है 5000 mAh की जो है बैटरी मिलती है। तो काफ़ी अच्छे जो चार्जर आपको मिलना है तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो है ये काफ़ी अच्छा है। तो ये चार्जर जो है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का जो चार्जर है, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, कर एक हिसाब से अच्छा ही है चार्जर उसका। इसको भी साइड रख देते हैं। उसके बाद आप देख लेते हैं ईयरफोन्स, काफ़ी अच्छी बात है एसुस ने हमको जो ईयरफोन दिया। अभी तक लगभग एसुस के सारे फोन्स में जो ईयरफोन नहीं आते थे, बट फोन में ईयरफोन जो आए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें ईयरफोन आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ईयरफोन को हम निकाल के देख लेंगे कैसा क्वालिटी का ईयरफोन है, अभी इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको जो है एक यूएसबी केबल मिलता है, यूएसबी डेटा केबल, जो आप अपने चार्जर से कनेक्ट करके फोन को चार्ज करेंगे और इससे आप पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफी अच्छी क्वालिटी का जो केबल हमें लग रहा है। तो वैसे एसुस से तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अच्छी क्वालिटी का ही सब सारे सामान मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ आप देख सकते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स वगैरह मिल जाते हैं आपके हेडफोन के सामने, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, आपको जो एक्स्ट्रा ईयरबड्स वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको फ़ोन के बारे में कुछ डिटेल्स स्पेसिफिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके का फ़ोन मिलता है, ऊपर में आपको सेंसर और आपका स्पीकर आउटपुट मिलता है, आपको एक 8 MP का जो है सेल्फी कैमरा मिल जाता है, नीचे में आपको जो है एक होम बटन मिलता है, जिसमें आपको जो बैक बटन और नेविगेशन बटन है जो इसमें नहीं दिया गया है, इसमें सीधा आपको होम बटन दिया गया है जो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर और होम बटन दोनों हैं, तो आप तो इसमें दोनों काम कर सकते हैं। साइड की ओर देख सकते हैं, साइड की ओर आपको जो है वॉल्यूम बटन और आपको लॉक बटन मिलता है, जैसे कि हाइब्रिड में हमेशा यही मिलता है आपको। तो साइड में आपको वॉल्यूम बटन और अप डाउन बटन मिल जाता है। ऊपर की ओर देख सकते हैं, ऊपर में आपको 3.5 mm जैक मिलता है जो आपको ऑडियो आउटपुट का काम आता है। उसके बाद आप साइड में देख सकते हैं आपको साइड में सिम स्लॉट मिला है जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, इसमें आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड चला सकते हैं, डुअल सिम कार्ड चला सकते हैं। नीचे की ओर आप देख सकते हैं आपको चार्जर इनपुट मिला है, उसके बगल में आपको स्पीकर मिला है जो काफी अच्छी बात है, स्पीकर आपको नीचे मिल गया है। और पीछे की ओर देख लेते हैं, पीछे की ओर आप देख सकते हैं आपको जो है 13 MP का रियर फेसिंग कैमरा मिला है। उसके बाद आपको साइड में डुअल टोन LED फ्लैश मिला है। उसके बाद आप उसके बगल में छोटे से आपको नॉइस कैंसिलेशन मिला है, बीच में आपको जो है एसुस की जो ब्रांडिंग है, तो काफी अच्छी बात है, एसुस आपको काफी अच्छी फीचर्स देती है। तो मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। तो आपको इसमें जो है MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, बस मुझे यही इसमें अच्छा नहीं लगा कि आपको इसमें MediaTek का प्रोसेसर मिला, क्योंकि अगर आप 15,000 रुपये का फोन लेने जा रहे हैं और आप MediaTek का प्रोसेसर ले रहे हैं, वो भी MT6750 जो पुराना प्रोसेसर है, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कम से कम इसमें स्नैपड्रैगन आपको 650 या 625 प्रोसेसर मिलता है, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करता कि आप इस फोन को ले लो। बट फोन अच्छा है, आप ले सकते हैं, एसुस की कैमरा जो है काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें आपको ऑक्टाकोर 1.5 GHz का जो है प्रोसेसर मिल जाता है, आपको इसमें 32 GB रैम, आपको इसमें 32 GB इंटरनल और 3 GB की जो रैम मिलती है। और इसकी जो बैटरी है आपको 5000 mAh की बैटरी है। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि इसकी जो बैटरी है काफ़ी अच्छी बैटरी, काफ़ी लॉन्ग बैटरी है। तो आप देख सकते हैं फोन भी काफ़ी अच्छी बात अच्छा फोन है मेरे हिसाब से। आपको 5.2 inch का जो HD डिस्प्ले मिलता है, वो भी आप ऊपर में आपको जो 2.5D का ग्लास लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्लास मिलता है आपको। साथ में इसका जो है LTE वो LTE सपोर्टेड सारे अपडेट्स इस फोन में पहले से आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि आपको फर्स्ट बूट पर कितना रैम, क्या क्या आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं फोन जो है ऑन हो गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसमें कितना GB रैम और क्या क्या आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस फोन के अबाउट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है पहले से एंड्रॉइड 7.0 नोकर मिलता है, तो काफी अच्छी बात है। आपको साथ बॉक्स के साथ ही आपको एंड्रॉइड 7.0 मिल रहा है। तो अभी एसुस का इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है अपडेट के बारे में, तो आगे एसुस जो अपडेट्स वगैरह जो है साथ में देते रहते हैं, तो अच्छी बात है आपको एंड्रॉइड 7.0 पहले से मिल गया। ऊपर में देख सकते हैं आपको मॉडल नंबर जो लिखा गया है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपको कुछ इसके वाईफाई स्पेसिफिकेशन और आपका जो है
इसका बेस बैंड वर्जन, काफी सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसमें दिए गए हैं। तो अवार्ड्स में जाके आप देख सकते हैं, सिस्टम अपडेट जो है, स्टेटस वगैरह जो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं, इसमें आपको ऑन स्क्रीन जो है नेविगेशन की मिलता है, आपको बाहर में बटन नहीं मिलता, ऑन स्क्रीन मिलता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है, उसने नया फीचर्स जो है लाया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट बूट में आपको जो है कितना जीबी रैम यूज करने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं, जो ये मेरे पास फोन है, ये 3 GB वेरिएंट का फोन है। तो आप देख सकते हैं आपको जो है यूज कर, टोटल रैम आपको 2.7 GB है, जिसमें जो है 40% जो सिस्टम जो है यूज कर आपको 1.6 GB खाली मिल जाती है। फर्स्ट बूट में आपको 1.6 GB मिल रहा है, मतलब काफी अच्छी बात है कि आपको काफी रैम जो है यूज करने के लिए मिल जा रही है। तो चलिए स्टोरेज देख लेते हैं। तो आप स्टोरेज देख सकते हैं, आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिसमें 8.54 GB जो है सिस्टम यूज है, आपको 23.46 GB जो है यूज करने के लिए मिल जाता है। ये भी काफी अच्छी बात है, आपको 23 GB यूज करने के लिए मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा फोन है। और मैं आपको इसका जो कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूँ कि आप कैसे, किस टाइप का फोटो आपको इसमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपके डिस्प्ले के सामने जो फोटोज ली गई हैं Asus के आप बैक कैमरा से ली गई है, 13 MP का आपको काफी अच्छा कैमरा मिलता है। Asus सबसे अच्छा यही लगता है, कैमरा सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बढ़िया मुझे इसका कैमरा लगता है। तो आप देख सकते हैं जो फोटोज है, इसी फोन का जो फोटो है। तो आप देख सकते हैं जो फ्रंट फोटो है, ये फ्रंट कैमरा से जो है लिया गया है। तो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छे क्वालिटी में आपको जो है फोटो मिल जाता है। तो गाइस, मैंने तो लगभग आपको सारे चीजें इसके बारे में बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा इस तरह के जो है वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखते रहिए टेक रेवोल्यूशन।